नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। सर्दियों का मौसम है तो घर घर में मक्की, बाजरा, ज्वार की चपातियाँ, परौठे बनते हैं। तो आज हम आपको ज्वार के आटे का वेजिटेबल परौठा बनाना सिखाएंगे। उससे पहले हमारे ज्वार के आटे की सॉफ्ट चपाती, ज्वार के आटे की चूरी, ज्वार के आटे का चिल्ला, वेजिटेबल चिल्ला, ये तीन आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम वेजिटेबल पराठा बनाएंगे जो बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। आप मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने 1.5 कप लिया है ज्वार का आटा। आप अपनी सुविधा के मुताबिक कितना भी ले सकती हैं। 1 कप हमने ज्वार का आटा लिया है और क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें लगेगी। ये हमारे पास है नमक, अजवाइन, और ये हमारे पास कद्दूकस किया हुआ अदरक, जिंजर, ग्रेटेड जिंजर, ये धनिया पाउडर, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, ये मेथी ली है हमने। मेथी और मेथी में फ़र्क रहता है। मेथों के पत्ते थोड़े रंग में, कलर में डार्क होते हैं, कालापन लिए होते हैं और ऐसे इस प्रकार से होते हैं लंबे से, ये गोल है इसके पत्ते। ये मेथी रहती है। ये स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज इसे पंजाब में बोलते हैं, तो ये हमने बारीक बारीक काट लिया है, जो मैंने दिखाने के लिए आपको रखा था। यह हमारे पास है कद्दूकस की हुई मूली और कद्दूकस की हुई गाजर। क्वांटिटी अब आप देख लें। जो मिर्ची है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। मैंने 2 हरी मिर्ची काटी है। कई बार मिर्ची एक ही बहुत तीखी होती है, बिल्कुल बारीक काटनी है। तो उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ता है और जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट होता है। 1/2 चम्मच है मेरे पास साबुत धनिया। 1/2 चम्मच मैं लूँगी धनिया पाउडर, हो गया जी। अदरक मैं लूँगी 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ, ठीक है जी। और ये धनिया के पत्ते हैं, आप देख ले कितने हैं, मैंने इतने लिए, एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के। जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो इधर हम लेंगे ये हरा प्याज। प्याज अगर आप खाते हैं तो डाल लें, अदरवाइज ये स्किप कर दें, ऑप्शनल है। तो रही बात, पहले हम इन चीज़ों को ऐसे ऐड कर लेते हैं। ये कद्दूकस की हुई मूली और गाजर है, इसमें पानी की मात्रा खूब रहती है, तो इस बात का आपने आटा लगाते वक्त ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें होगी जी। तो अब हमारे पास है मेथी। मेथी के पत्ते कैसे करने होते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह हमने धोया है। गाजर मूली को भी अच्छी तरह धोया था, धोकर ऊपर ऐसे स्क्रैप करके उसे कद्दूकस किया था। इसी प्रकार से मैं बताती हूँ कि बिल्कुल महीन काटना होता है। जैसे इस प्रकार किया, फिर इसे वापस कर लो, इस प्रकार किया, इसे वापस कर। मैं बहुत धीमे धीमे करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बहुत जल्दी जल्दी काटती हूँ कि आपको समझ लग जाए। तो ये बिल्कुल ही बारीक कट जाती है। मेथी पत्ता तो आप ज़रूर डालें, इससे तो इतना टेस्ट बढ़ जाता है कि आप कहेंगे कि हमने पहले क्यों नहीं खाए कभी भी ज्वार के आटे में मेथी को डालकर। थोड़े पत्ते हम और डाल लेंगे क्योंकि हमारा आटा थोड़ा कम है, नहीं तो हम काफ़ी एक एक गुच्छी तक मेथी की इसमें खपा देते हैं परौठों में, तो जो फ्लेवर है वो बहुत ही रिच हो जाता है, बहुत ही टेस्ट हो जाता है। तो लीजिए, इतना कुछ मिलाने के पश्चात आप इसे पहले हाथों से ऐड करेंगे अच्छी तरह, ताकि सभी चीज़ें एक सार हो जाएं। जो हमने मिलाया था, सॉरी, वो हमने साबुत जीरा मिलाया था, मैं गलती से उसे साबुत धनिया ही बोल गई। तो इस प्रकार से हम क्यों मिला रहे हैं, इससे हमें पानी का अंदाज़ा हो जाता है कि पानी कितना डालना है। आप इसे गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, मैं तो नॉर्मल पानी ही लूँगी क्योंकि हमारा जो आटा है वो घर का पिसवाया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन है, बढ़िया है, साफ़ सुथरा करके। जो बाज़ार का आटा होता है वो कई बार मोटा होता है, तो हमें गर्म पानी की हेल्प लेनी पड़ती है। गर्म पानी डालने से क्या होता है, गुनगुना पानी डालने से आटा सॉफ्ट बनता है। तो मैंने पहले भी घर में प्रयोग करती हूँ इस आटे का, तो मेरे को मालूम है कि अब धीरे धीरे करके पानी डालना है, एक बार से नहीं डालना। कई बार क्या होता है, क्योंकि जो भी हमने सब्जियां डाली हैं, गाजर और मूली, उसमें भी पानी है, मेथी के पत्ते डाले हैं धोकर, उसमें भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, और मलाई है हमने, वो क्या बोलते हैं,
मेथी के पत्ते धोकर सभी चीज़ों में पानी है। लगाना किस प्रकार था, जो जब फूला हुआ भाग होता ना उसे इस प्रकार से। पहले तो हम इकट्ठा करेंगे सभी आटे को हमारे को, फिर मैं बताऊंगी कि जैसे मसलना कैसे होता है। गेहूं के आटे के तरह नहीं लगाए जाते, बाजरा ज्वार मक्की के आटे ये मसल मसल कर लगाई जाती हैं। पहले हम सभी आटों का हमारे इकट्ठा कर लें। नमक मिला लिया था, तो नमक तो हम भूल ही गए, तो अभी मिला लेते हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं, नमक तो मैं बातों बातों में भूल ही गई, तो आप अपने टेस्टी के अकॉर्डिंग और आटे के अकॉर्डिंग मिला लें। मैंने 1/4 चम्मच इसमें नमक मिलाया है। नमक बाद में भूल गए थे, पहले सूखे आटे में ही डालना चाहिए था। अब क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह और मसल लेंगे ताकि वो नमक बीच में ही ऐड हो जाए। आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसमें छोटी सी लोई तोड़ेंगे। उधर हमारा तवा भी गर्म हो रहा है इस प्रकार से। तो आसान ट्रिक क्या है, जो हमारे बिगनर्स हैं जिन्हें किचन का काम करने का ज़्यादा तजर्बा नहीं है, वो क्या करेंगे कि जहाँ जो चकला रहता है उस पर आप थोड़ी एक पन्नी लगा ले साफ सुथरी। उधर हमारा तवा भी गर्म है एकदम खूब, तो आँच आप नोट कर ले कैसी रखनी होती है। इन परौठों के लिए आँच हमने मीडियम टू लो रखनी होती है, लो टू मीडियम। तो अब हम इसे ऐसे, ये मैंने एक कटोरी में पानी भी रख रखा है, आप इस प्रकार से भी बढ़ा सकती हैं। जिनको तजर्बा है वो तो इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको आसान तरीका, जो हमारी हाथ की उंगलियाँ होती हैं ना, टिप्स होती हैं, उनसे इस प्रकार से थपथपाते हुए चारों तरफ से हम इसे बना लेंगे। पतला मोटा जैसा भी चाहिए, आपके घर में पसंद करते हैं आप उतना इसे फैला लें। मेरे घर में जैसा खाते हैं मैं उसी प्रकार का बनाऊंगी। आप ज़्यादा पतला भी बना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना चाहिए, फिर टेस्टी बनता है। पतली परौठी अच्छी नहीं बनती, ज़्यादा चपाती ही अच्छी बनती है। चलो जी, तो तवा हमारा गर्म है, हमने चेक कर लिया है, थोड़ा आटा लगाकर देखिए एकदम से आटा हमारा वो पक गया है, तो इससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर ठीक है तवेगा। अब उतारना कैसे है, इस प्रकार से हाथ पे ऐसे जैसे ऐसे था ना, इस प्रकार से हाथ पे लिया और धीरे से पन्नी की एक साइड को एक किनारे को पकड़कर हम ऐसे उतार देते हैं। देखिए उतार दिया और धीरे से ऐसे डाल देते हैं। इस प्रकार से बनाई जाती है ज्वार की परौठी। अब हम दूसरी ले रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता चला उसी प्रकार से बॉल लेंगे। और इधर हम स्पैटुला से इसे उठाना भी होता है, ऐसे पहले धीरे धीरे चेक करते हैं कि थोड़ा थोड़ा, अगर आप बिगिनर हैं, मैं तो ऐसे उठा लेती हूँ, तो मैं आपको आसान ट्रिक बता रही हूँ, टिप और ट्रिक कि थोड़ा थोड़ा आयल छोड़ दीजिए साइडों पे, तो वो जब आप उखाड़ेंगे तो आपको उखाड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नहीं, हम लोग तो ऐसे इस प्रकार से धीरे धीरे डालते हुए चेक कर लेते हैं कि पका या नहीं पका। हाँ देखो, जो साइड पकेगी वो उठनी शुरू हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनता है परोठा, लाजवाब बनता है। मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ, अब इस पर पूरा ले लेना है स्पैटुला पे जाके, ताकि हमारा टूटे नहीं। अब धीरे से देखिए कितनी अच्छी तरह पकी है हमारी परौठी। तो जो हमने जैसे परौठी बनाने के लिए गाजर प्याज और वो मूली धोई थी, तो उस पानी को फेंकना नहीं है, किसी भी चिलमची में बड़े बाउल में उसे इकट्ठा करते जाएं, और गमलों में जो सजावटी पौधे लगे हैं हमारे घर में उनमें डाल दीजिए। पानी की बहुत कमी होती जा रही है, हम ग्रहणियों का भी फर्ज है, हम भी इस अपने पर्यावरण के लिए जो जज शुरू किया हुआ है सरकारों ने, उसमें अपनी आहुतियाँ डालें, अपना सहयोग दें। हमने नेक्स्ट इसकी साइड को पलटना है, तो ये तो अपने आप ही उठ गई क्योंकि हमारा तवा ग्रीस हो चुका था। तो देखें, हाँ इधर भी पक गई है, देखिए बिल्कुल अच्छी पकी है, सिकी है। तो अब इधर भी हम ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है, बटर भी कई लोग पसंद करते हैं, दोनों साइड से अच्छी तरह इसे हम इस प्रकार से लगा देंगे। और जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है कि ज़्यादा सिका हुआ या कम सिका हुआ, इस प्रकार से दोनों साइडें हमारी पक कर रेडी है। बस मेन ट्रिक्स क्या है, जब आटे को लगाना है तो इस फूले हुए भाग से ऐसे रगड़ते हुए,
और नेक्स्ट जब पलटना है तो इसकी किनारी से ऐसे ऐसे डालकर चेक करना कि पक गई। और तीसरी बात क्या है कि आँच कैसी रखनी है, मीडियम टू लो। ज़्यादा आँच पे पकाएंगे तो जो काला काला सो जाएगा और बीच में से कच्चा रह जाएगा। मक्की की रोटी भी, ज्वार की भी और बाजरे की भी सभी हमने कम आँच पे बनानी होती है और जी समय ज़्यादा लेती हैं। आँच तो हमें कम रखनी होती है और समय ज़्यादा में अंदर से पकती हैं। देखिए दोनों तरफ से हमारा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बस मैं पूछिए मत। तो इसी प्रकार से मैं अपना नेक्स्ट परोठा कुक करूँगी। ये हमने उठा लिया, नेक्स्ट डाल दिया। हमने अपने ज्वार के वेजिटेबल परौठे तैयार कर रहे हैं। आप इसे बटर, दही, जैसे आंवले के अचार सीजन है, मिर्ची आंवला अदरक के अचार के साथ सर्व कीजिए। तो यह परौठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपका पूरा मील भी हो जाएगा जब आप आंवले के अदरक के अचार के साथ इसे सर्व करते हैं। तो आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से परौठे बनाएं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी परौठी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो देखने के लिए दिया।